सब्सक्राइब करिए अनबॉक्स पैराडाइज को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए। वेलकम बैक गाइस, अनबॉक्स पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करेंगे वन प्लस 60। तो इसका जल्दी से आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं कि बॉक्स पे क्या मिलता है। तो आपको बॉक्स पे वन प्लस क्या ब्रांडिंग दिखेगी, ये 6 का लोगो दिखेगा। साइट में आप देखेंगे तो इसमें IMEI डिटेल्स मिलेंगी आपको, और नीचे बैक पर देखेंगे तो नेट कंटेंट्स का डिटेल्स मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा, ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर्ड करा गाइस। जो मेक इन इंडिया मोबाइल है, ये चाइना में असेंबल नहीं हुआ हुआ है, यहीं का आएगा। और बाकी आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। तो हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमने उतारा और बॉक्स देखते हैं अब इनसाइड में क्या है। तो बॉक्स रखते हैं साइड में। ये रहा गाइस हमारा वन प्लस 60। सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में क्या है। तो बॉक्स कंटेंट में देखेंगे, आपको तो सबसे पहले मिलेगा आपको एक बैक कवर है गाइस, ब्लैक कलर का। उस कवर के साथ पेपर वर्क है। पेपर वर्क में आपको ओपन कर कर बतला देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये इसको साइट में रखते हैं। पेपर वर्क में ये वन प्लस का कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, सिम इजेक्शन टूल है, सिलिकॉन का कवर मिलेगा आपको। मैं आपको एक बार इसमें कवर में इंसर्ट कर कर बतला देता हूँ मोबाइल का कैसा लगता है। ये देखिए भाई, इस कवर में क्लियर बैक कवर है। बाद में टेस्ट करेंगे इस कवर का। और कवर को रखते हैं साइड में और अंदर देखते हैं और बॉक्स में क्या है। तो इसके बाद आपको मिलेगा इनविटेशन लेटर है वन प्लस की साइड से। तो बस यही है, अवार्ड फ्रॉम पेड वन प्लस CEO। साइट में रखते हैं, ये देखेंगे आप। तो USB टाइप सी चार रिवर्सिबल केबल है वो, ये मिलेगी आपको। इसके बाद इसमें हेडफोन जैक नहीं है तो उसके लिए USB टाइप सी का कनेक्टर है। वो चार्जर, डेस चार्जर दिया हुआ है इसमें। देखिए भाई, इसकी रेटिंग देखकर बतलाऊं तो इसकी आउटपुट 5 वॉट और 4 एम्पियर की रेटिंग दी हुई है। फास्ट चार्जर हैगा। अब इसको साइड में रखते हैं और हमारा मोबाइल करते हैं बूट जल्दी से। हाँ, हो गया अभी ये वाइब्रेट। और इसके रैप हटा देता हूँ मैं। और गाइस, बॉडी की बात करें तो इसमें वन प्लस ने आपको एल्यूमिनियम बॉडी दी है और इसमें 185 ग्राम की इसका वेट हैगा गाइस, 8.2 mm हैगा। सिम इसमें डुअल सिम है और मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता। बाकी आगे डिस्प्ले की बात करेंगे गाइस, तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा और 6.41 इंच का ये एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले। रिजोल्यूशन इसका 1080x2340 है। 402 PPI डेंसिटी मिलेगी। प्रोटेक्शन के लिए आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 मिलेगा। बैक का कुछ वन प्लस ने नहीं बतलाया कि क्या है। और इसमें प्लेटफॉर्म आपको OS और एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा ऑक्सीजन OS 9 के साथ। SD इसमें 845 मिलेगा आपको, ऑक्टा कोर है। GPU इसमें एड्रीनो 430 मिलेगा गाइस। मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है और ये 256 GB और 8 GB रैम में अवेलेबल है। 128 GB और 6 GB और 8 GB में अवेलेबल है। अब बात करते हैं गाइस बैक की। तो बैक पर आपको डुअल कैमरा मिलेगा, यहाँ पर LED फ्लैश है। मेन कैमरे की बात करेंगे गाइस, तो मेन कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का f1.7 अपेचर का है जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। और सेकंड कैमरा इसका 20 मेगापिक्सल का 1.7 अपेचर का। और गाइस साइड में बात करेंगे आपको तो यहाँ वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे। और इस साइड में बात करेंगे तो पावर बटन है और वन प्लस का जो उसका पेटेंट हैगा, 3 फंक्शन में काम करता है ये बटन। साइलेंट और बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होगा और यहाँ साइलेंट हो जाएगा और यहाँ रिंगटोन हो जाएगी, ये वर्क करता है। नीचे देखेंगे आपको तो USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा चार्जिंग का, माइक मिलेगा, स्पीकर ग्रिल मिलेंगे। टॉप पर देखेंगे तो सिर्फ आपको माइक का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस सेल्फी कैमरे की। तो सेल्फी कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा f2 अपेचर का। इसमें आप 1080p की 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेन कैमरे में आप गाइस 4K तक के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 और 60 FPS पे।
और दूसरी बात बात करें तो आपको इसमें वाइब्रेशन मिलता है। और सेंसर्स की बात करेंगे गाइस तो इसमें आपको फिंगर प्रिंट अंडर डिस्प्ले मिल रहा है, एक्सीलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास अब हमारा हो गया मोबाइल ऑन। और इसको करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और बैटरी की बात करेंगे तो 3700 मेगाहर्ट्ज की आपको इसमें बैटरी मिलेगी गाइस, हो गया मोबाइल ऑन। और जल्दी से इसे सेटअप करते हैं और इसका स्क्रीन और फिंगर प्रिंट टेस्ट भी अभी कर लेते हैं। ये होगा गाइस हमारा मोबाइल ऑन। और अब इसका सबसे पहले फेस अनलॉक में ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा पासवर्ड सेट हो गया। ये देखिए आप, ये फेस स्कैन कर रहा। ये होगा गाइस फेस। अब इसके बाद हम करेंगे फिंगरप्रिंट। तो ये आ गया इसका फिंगरप्रिंट गाइस, ये देखिए फिंगरप्रिंट। मुझे गाइस थोड़ा सेट करने में थोड़ा ऐसा लग रहा, स्लोड लग रहा, मतलब ऐसा रिस्पांस नहीं है जैसा बैक में जो फिंगरप्रिंट आते हैं उनमें रिस्पांस रहता। और ये देखिए आप, ये बार बार इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आप आपका फिंगर सही रखिए। ये देखिए भाई, उतना फास्ट वर्क नहीं करेगा जैसा मतलब बैक फिंगरप्रिंट वर्क करता है। तो अब अनलॉक और लॉक में देखेंगे कि कैसा वर्क करता है। ये ऐड होगा हमारा फिंगरप्रिंट। तो और ये आपको मालूम है कि वन प्लस जो गेस्चर देता है डबल टैप टू एक आप ओपन कैमरा जीरो म्यूजिक कंट्रोल दो फिंगर से स्लाइड करेंगे तो मिल जाएगा। ये आपको स्क्रीन का कैलिब्रेशन मिला, आरजीबी है, एक एडाप्टिव मोड है, कस्टम कलर है। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट पर सेट करके नेक्स्ट कर दूंगा। और ये आ गया नेक्स्ट। और ये हमारा होगा गाइस मोबाइल ऑन। और सबसे पहले अब हम इसका देखेंगे कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन हो, तो वन प्लस ने बोला ये 9 है तो 9 ही होगा। और ये देखिए आपको ये ऑक्सीजन ओएस भी 9 है, 6GB रैम है, स्टोरेज 128GB है। एंड्रॉयड वर्जन भी गाइस 9 ही है इसमें। ये देखिए आपको डिटेल्स मिलेंगे एंड्रॉयड वर्जन की, एंड्रॉयड पाए है इसमें। अब सबसे पहले इसमें टेस्ट करूँगा मैं फेस अनलॉक का, तो फेस अनलॉक कैसे वर्क करता है मैं इसका टेस्ट करूँगा। तो ये गाइस मोबाइल, ये देखिए गाइस कितना तेज़ ओपन अनलॉक हो रहा है फेस डिटेक्शन। ये देखिए अभी मैं इसकी साइड नहीं देखूँगा तो ये अनलॉक नहीं होगा। और ये देखिए जैसे मैंने देखा इसकी तरफ तो ये अनलॉक होगा। अब गाइस हम इसका फेस अनलॉक का जैसे हर मोबाइल का चेक करते हैं कि अगर नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो अनलॉक होता है तो नहीं के, तो मैं इसको लाइट बंद कर चेक करूँगा कि अनलॉक होता है कि नहीं नाइट में। हाँ देखिए अब मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए आप, हाँ गाइस ये देखिए नाइट में भी वर्क कर रहा है। ये देखिए आप बिल्कुल आईफोन 10 और S9 और नोट 8 के और 9 के बाद यही मोबाइल देखा। बाकी तो जितने देते हैं उनका रात में, मैंने आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, नाइट में वर्क ही नहीं करता। और अब हम बात करेंगे इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की। तो ये देखिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड से गाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ओपन हो रहा है। ये देखिए सेट होने में एक बार थोड़ा टाइम लेता, बाकी ये देखिए। और अब हम इसका कैमरा का टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले कैमरे का टेस्ट करते। तो ये देखिए हमारा मेन कैमरा, ये हमारा सेल्फी कैमरा गाइस, ये देखिए सेल्फी कैमरा, ये सेल्फी देखिए बहुत डिटेल सेल्फी है, काफ़ी क्लियर है। ये देखिए आपको एक एक डिटेल्स दिखेंगी उसमें। और बैक के कैमरे की बात करें तो मैं आपको एक बैक कैमरे की इमेज लेकर भी बतला देता हूँ, बैक कैमरे की वन प्लस की लेकर बतलाता हूँ आपको। ये देखिए ये बैक कैमरे की, देखिए डिटेल्स, ये डिटेल्स मिलेंगे आपको। और कैमरे में आपको ये देखिए पोर्ट्रेट मोड है, ये जो एक मोड एड कराएगा ये नाइट मोड कराएगा। और ये नाइट मोड देखिएगा, ये एक बार मैं लाइट ऑफ कर कर आपको इस नाइट मोड का बतलाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है नाइट मोड। ये आपका पोर्ट्रेट मोड होगा और ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट करा नाइट पर। अब ये देखिए आप, मैंने नाइट पर एक मिनट में LED ऑफ कर दूँ। ये देखिएगा ये इसका नाइट मोड है।
तो नाइट मोड में भी काफ़ी क्लियर कर दिया इसने, ये देखिए। अब मैं लाइट्स ऑन कर कर आपको बतलाता हूँ इसके सेल्फी कैमरे में क्या फीचर्स दिए हैं। अब गाइस देखेंगे आप वीडियो में, तो वीडियो में आपको ऑप्शन मिल रहा 4K का मिल रहा 60 FPS पर, 4K मिल रहा 30 FPS पर, 180p मिल रहा 60 FPS पर, 180p मिल रहा आपको 30 FPS पर और 720। अब इसका देखेंगे, ये तो आप पोर्ट्रेट मोड है, ये बहुत अब आम हो गया है। एक जो वन प्लस ने ऐड करा ये नाइट मोड है, हम इसको नाइट मोड को चेक करेंगे कि नाइट मोड में क्या दिया है वन प्लस ने। तो मैं पहले लाइट्स ऑफ करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ नाइट मोड का। तो ये देखिए नाइट मोड का ज़्यादा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, ये तो मेरे सिस्टम की LED रन हो रही है तो वो दिख रहा, बाकी इसका आपको बॉक्स नहीं दिखेगा। यानी नाइट मोड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आप उसका फ्लैश ऑन नहीं करेंगे। तो मैं ऑन करता हूँ लाइट सब और अब आप देखेंगे कि ये आपको सेल्फी कैमरे का बतलाता हूँ इसमें सेल्फी कैमरे में आपको क्या मिल रहा है। तो सेल्फी में देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे वीडियो की, तो वीडियो में आपको मिलेगा 1080p और 720p की रिकॉर्डिंग मिलेगी वीडियो में। और फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और इसमें भी नाइट मोड है, तो नाइट मोड तो मुझे इतना खास लग नहीं रहा है। ये देखिए नाइट मोड सेल्फी कैमरे में सपोर्ट नहीं करता गाइस, ये देखिए आप जैसे ही नाइट मोड करेंगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे और कैमरे में फीचर्स हैं, हम जो डिटेल रिव्यू देंगे उसमें आपको बतलाएंगे। और बात करेंगे गाइस तो इसमें IP67 या 68 रेटिंग का तो वाटर प्रूफ कुछ दिया नहीं है वन प्लस ने, लेकिन वन प्लस ने बोला है कि उसने उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें वाटरप्रूफ कोटिंग करी है और आपको इसमें वाटरप्रूफ नहीं है। और सबसे जो एक शायद मुझे फीचर सेट करना था वन प्लस को वो था वायरलेस चार्जिंग, क्योंकि आप एक फ्लैगशिप किलर मोबाइल बना रहे हैं तो इतने कॉस्ट में 37 में तो आई थिंक आपको वायरलेस चार्जिंग और IP कम से कम 67 रेटिंग देना थी। तो अब ये देखते हैं कि आगे क्या है, अब इसका टेस्ट करूँगा मैं पोको के साथ और पोको और 60 प्लस 60 का हम कंपेरिजन करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।